अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आपके हैदरअली शाह, आप देख रहे हैं दिस डिवाइन कोड। तो दोस्तों, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दो। और दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पर बात करूँगा वो टॉपिक है गोट लाइस के ट्रीटमेंट, क्योंकि बकरों को जो मौसम है, अभी बारिश आने वाली है, हल्की हल्की बूंदाबांदी चल रही है, और इस वक्त जो आपने देखा है बड़े जानवरों में लंपी का प्रॉब्लम चल रहा है, उस पर भी इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो बनानी है मैंने कि लंपी की वैक्सीन क्यों काम नहीं कर रही है जानवरों पर, और क्या वजह है उसकी वैक्सीन का काम करने की, और किस तरह से उनसे बचा जा सकता है। इंशाल्लाह जल्दी वीडियो बनाऊंगा एक दो दिन में। इसी के साथ साथ मैं गोट लाइस के लिए जो बकरों में जुएं हो जाती हैं वो क्या तरीका है, सिर्फ जुएं नहीं, कोई भी जो बहुत सारी अपना कीड़े मकोड़े होते हैं, जो भी कोल्ड ब्लड एनिमल होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, तो उनके लिए जो मर जाएंगे, पहले ही बता चुका हूँ एक दो बार, लेकिन आज फिर मैं कर रहा था तो बता दूंगा। और अब चलते हैं सीधा कि क्या करना है आपने और किस तरह से जो है वो क्या लगाना है अपने जानवरों को। तो दोस्तों, वो जो चीज़ है वो ये है, आपके सामने है कि वो क्या चीज़ है, और जो सबसे सस्ता और बेहतरीन इलाज है दे सकते हैं आप, ये कुपैक्स होता था पहले, अभी कुपैक्स मुझे मिला नहीं तो मैं ये मेट्रो का ले आया हूँ। और ये क्या है, ये है दोस्तों इंसेक्ट किलर, सबसे ज़्यादा चींटियाँ जो होती हैं, हमारी आंट जो होती हैं उसके लिए, मारने के लिए आंट्स को होता है ये। और इसमें कोई भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल जो होगा, जुएँ, पिस्सू और जो भी जानवरों में कीड़े मकोड़े होते हैं वो सारे जो है उसके लिए ख़त्म हो जाएंगे। अब आप बोलेंगे अदरवाइज जानवर इसमें मुंह मारेगा, या बच्चों को लगा सकते हैं आप, जान बड़े से लेकर छोटे से जानवर को भी लगा सकते हैं, किसी भी गर्म खून वाले जानवर या इंसान, जैसे हमारा गर्म खून होता है, या हमारे जो मेमल्स होते हैं, जो हमारे बकरियां, गायें, भेड़, बकरे, घोड़े, जो भी गर्म खून वाले जानवर हैं उन पे ये इफ़ेक्ट नहीं करता, ये ठंडे खून वाले रेप्टाइल्स पे और इंसेक्ट्स पे इफ़ेक्ट करता है बस। इसलिए किसी तरह का कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन इसका मतलब नहीं है मुँह में भर दिया जाए, लेकिन इससे किसी तरह का कोई जान का ख़तरा नहीं है। और इससे सस्ता फार्मूला दोस्तों हो नहीं सकता, क्योंकि ये 50 रुपये का मिलता था, अब थोड़ी महंगाई हो गई है, जैसे कि आपको पता है हुकूमत जो है वो महंगाई रोज़ दिन ब दिन करती जा रही है, तो उस हिसाब से ये अब 70 रुपये का है। और ये एक से दो बोतलें लाते हैं, अगर आप एक बकरा है आपका तो एक बोतल जो है वो आपकी कम से कम लगेगी एक बकरे पे, और इस तरह से आपने जो है बॉटल्स ले लेनी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ लगाना किस तरह से, और बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना, और उसके बाद लगाने के बाद क्या करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सही है दोस्तों, मैंने लगाना है, मैं लगा के भी दिखाऊंगा आपको। अभी देख सकते हैं आप, ये मैंने इसको खोल लिया है, और आप देख सकते हैं मैं चौकों को किस तरह से चौकों के ऊपर लगा रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप, ये मैंने इस पर भर के जो है, ये देखिए, ये देखा। और अगर आपके बकरे में कीड़े या जुएं होंगी तो वो इससे परेशान होगा, अगर उसमें जुएं वगैरह नहीं होंगी तो वो इससे परेशान नहीं होगा, बेफिक्र हो जाए, आपके मुंह में जाए, नाक में जाए, ये कोई इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन इसका मतलब नहीं है हरगिज़ कि अपने बकरे के मुँह पर डाला जाए, उसके नाक में डाला जाए। सही है, एहतियात अपनी ज़रा अपनी करनी है पूरी। अब आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कि किस तरह से मैं इसका जो है वो जो बालों वाला एरिया है उसमें ज़्यादा डालने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि इसको जो इफ़ेक्ट मेन जो खालों के अंदर, जो स्किन के अंदर बैठी होती हैं जुएं वगैरह, वो ख़त्म हो जाए। सही है, बच्चे बड़े किसी बकरे को आप डाल सकते हैं, देख सकते हैं आप। और ये अभी डालने का तरीका जो है ना वो ये नहीं है, वो डालने का तरीका ये है कि आपने बस रुक नहीं रही, डालने का तरीका ये नहीं है, डालने का तरीका ये है कि जब आपने इसको डालना है ना तो अपने हाथ से ऐसे अपने हाथ में लेके ना इसको पाउडर को, ये देख सकते हैं आप लोग, ये जैसे कि मैंने अपने हाथ में ले लिया पाउडर, और इसको इस तरह से आपने लेना है हाथ में, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ इसकी प्रॉब्लम हो रही है, और हाथ में लेना है और इस तरह से अपने जानवर के इस तरह से, ये समझ रहे हैं, ये जब करेंगे आप इंशाल्लाह आपके जानवर की जो भी जुएँ लीखें जो भी होगा वो सब आपके जानवर में से जो है वो निकल जाएगा। सही है, बाकी बकरों को भी करके दिखाऊंगा, और आपके सामने, सही है, अब ज़रा तरीके से मैं इसके लगा लूँ, फिर दूसरे बकरों को दिखाता हूँ करके। मैंने जो है लगा दिया है, इसके बाद लगाने के आपने क्या करना है, लगाने के बाद आपने जो जगह है इनके बैठने की उस जगह पे भी अच्छी खासी तरह जो है पाउडर डाल देना है, ये सफ़ेद है इसलिए नज़र नहीं आ रहा, लेकिन लगाया मैंने ठीक ठाक है इसके, और उस डब्बे पे आप लिखेंगे, डब्बे पे भी लिखा हुआ उसके पैकेट पे कि किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है इसको लगाने का। सही है, लगा के मैंने इसलिए दिखा दिया कि मैं अपने जानवरों को लगा रहा हूँ तो इसमें कोई मुज़र नुकसान नहीं है, आप एक दफ़ा डब्बा फिर भी एहतियातन पढ़ लीजिएगा। सही है, और इसके अलावा सबसे आसान तरीका यही है इस वक्त अपने जानवरों को कीड़े मकोड़े पिस्सुओं से बचाने का। सही है, इसके अलावा अब मेरा क्या मूड है, मेरा मूड है कल नहलाने का जानवरों को, तो मैंने क्या करा, एक दिन पहले जो है इनके वो अपना कुपैक्स पाउडर जो है वो लगा दिया है, आंट किलर जो भी होता है, इंसेक्ट किलर पाउडर। सही है, अगर कुपैक्स नहीं मिलता मेट्रो का ले लें, या वरना आपका जो मिलता है वो ले लें, और उस पर देख लिया, खासतौर से इंसानों और जानवरों के लिए बेजरर लिखा होगा, और वो ले लें आप, और इंशाल्लाह
आपका जो है जानवर कभी नुकसान भी नहीं होगा और बहुत बेहतरीन काम करेगा। इसके बाद अब ये करना है, आज लगा दिया है, कल तक आपने छोड़ देना है और कल अपने जानवर को इनको नहला देना है। आज मैं इनको छोड़ दूंगा ताकि जो भी इनके जिसमें कीड़े होंगे, वैसे अल्लाह का शुक्र है मेरे बकरों में कीड़े नहीं है। इसके इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है, जब आप यहाँ पर इस जगह पर देखेंगे ना कि जनरल कीड़े होंगे, वो कीड़े जो हैं वो यहाँ से आपके सामने निकलना शुरू हो जाएंगे बाहर। सही है, आप देख सकते हैं जैसे ये कोई कीड़ा है, ये शायद एक कीड़ा है, ये देख रहे हैं आप। और ये देखें आप, अब ये देखें, ये तो नहीं है, खैर ये एक कीड़ा है। अब क्या है ये, और ये जो कीड़े होते हैं नज़र नहीं आते लेकिन जानवरों को वज़न ना बढ़ाने में सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। तो आपने क्या करना है, ये लगा देना पाउडर और एक दिन के लिए छोड़ देना है, सारे कीड़े मर जाएंगे, खुद निकल के गिर जाएंगे बाहर। और फिर आपने जो है वो दूसरे दिन नहला देना है इंशाल्लाह, जगह की भी सफाई कर देनी है और नहला भी देना, इंशाल्लाह आपका जानवर जो है कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों का शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलूंगा किसी अच्छी वीडियो में, हूँ आपके हैदर अली शाह, देख रहे हैं हैदर डिवाइन कोड। अल्लाह हाफिज़, बादल को भी अल्लाह हाफिज़ कर दें, अल्लाह हाफिज़।